गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डील किया था, उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको देख लिया होगा। आज नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर मुखातिब हुआ हूँ, तो आप उस चीज़ को देखने की ट्राई करिएगा। तो हम आज डील करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास बेसिकली दो गैसेस हैं जिनके ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास ऑक्सीजन और सेकंड है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम डील करेंगे। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है वैसे तो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी तो हर चीज में ही रहती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इस चीज को ध्यान से पढ़ने की। तो सबसे पहले हम डील करेंगे वो है ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में कैसे होता है। देखिए, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो आपके पास मीडियम से होता है। मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके पास एक्चुअली में एक मीडियम है, वो है आपके पास दैट इज अ प्लाज्मा, जो कि आपके पास होल ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूएंट है, और सेकंड आपके पास में है दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर हम मान के चलें कि टोटल आपके पास 100% ऑक्सीजन है जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपके पास प्लाज्मा में जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो सिर्फ 3% का होगा, जबकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आपके पास जो देखने को मिलेगी 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में आपके पास ऑक्सीजन जाएगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जरा उसको नोट करिएगा। देखिएगा, हीमोग्लोबिन आपके पास बेसिकली 4 यूनिट से बना है। अब ये 4 यूनिट्स क्या है, ये 4 यूनिट है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी है जी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की खासियत क्या है, यहां पर आपके पास आयरन जो है वो आपके पास आयनिक फॉर्म में नजर आ रहा है। तो कितने आयरन आपके पास नजर आएंगे? 4, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके पास में। अब देखिएगा, हमें ये मालूम है कि हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं। अब देखो, हर एक मॉलिक्यूल एक्चुअली में किसके साथ बॉन्ड हो रहा है, वो तो आपके पास आयरन के साथ बॉन्ड हो रहा है, और जब ये आयरन के साथ 4 मॉलिक्यूल आपके पास में बॉन्ड हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली में बॉन्ड तो हुए ही किसके साथ में, वो तो आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हुए। इसीलिए आपके पास जब ये पर्टिकुलर चीज होगी कि हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बॉन्ड कर जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद करके चलिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां पर कई बार एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि आपके पास क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हुआ यहां पर, तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है यहां पर। क्यों? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 ही मॉलिक्यूल हैं, और ऑक्सीजन भी आपके पास कितने मॉलिक्यूल में मौजूद है, यहां पर 4 ही मॉलिक्यूल। तो टोटल बाइंडिंग है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं हुई है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए कि आपके पास ओजोन होती, तो ओजोन जो है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ये भी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ओजोन में आपके पास एक ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, और उसी की वजह से आपके पास ऑक्सीडाइजेशन हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने की वाली है, मैंने एक वर्ड यूज किया दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक बात ध्यान रखिए, क्या बात ध्यान रखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि 97% आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो क्या आपके पास ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है तो क्या वो कभी छूटती नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ रिवर्सिबल फॉर्म। कैसी फॉर्म है? रिवर्सिबल फॉर्म है। मीन बाय, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अगर चिपक भी गई है, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है और ये हीमोग्लोबिन के साथ चिपकने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, अगर यही चीज हो रही है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ब्रेक कर आपको क्या दे सकता है, ऑक्सीजन प्लस आपके पास में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अब फिर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे उसके साथ बाइंड होने के लिए फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कहां जाएगी? ये ऑक्सीजन गई आपके पास टिश्यूज के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब बात ये करनी है कि एक्चुअली में टिश्यूज के पास कितनी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें यह चीज पढ़ने पड़ेगी कि आपके पास पर 100 ml में टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना अवेलेबल होता है। तो ऑन एन एवरेज में अगर आपको बताऊं तो 15 ग्राम आपके पास
हीमोग्लोबिन पर 100 ml या आप ये कह लीजिए 1 dl में अवेलेबल है। 1 dl का मतलब 100 ml ही होता है। तो 15 g है आपके पास हीमोग्लोबिन। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर दूं तो मैं ये भी कह सकता हूं, मान लीजिए अगर आपके पास फीमेल है और एक मेल है तो दोनों में आपके पास एवरेज हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज हो जाएगी। फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12-14 आपके पास ग्राम होनी चाहिए और जबकि मेल के अंदर ये पर्टिकुलरली 14-16 g पर डेसीलीटर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान। लेकिन मैंने यहां पर एक एवरेज मार्क कर दी। एवरेज मैंने आपको बताई कि 100 ml में नॉर्मली 15 g हीमोग्लोबिन अवेलेबल होती है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, 1 g हीमोग्लोबिन से आपके पास 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई हो रही है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, 1 g हीमोग्लोबिन से 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को आपके पास अवेलेबल करवाई जा रही है नेचर के द्वारा। अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि 15 g से आपके पास एक्चुअली कितनी गई होगी, तो सिंपल है ना, देखिए आप 15 × 1.34 ml कर देंगे, सिंपल चीज हो गई। तो आपके पास टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितनी गई, तो ऑक्सीजन गई आपके पास 12.1 से लेकर ऑन एन एवरेज जाती है, दैट इज 21 ml पर्टिकुलरली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछेगा, देखिए ये 100 g जो आपके पास ये हीमोग्लोबिन है ये कितने ml में है, ये है आपके पास 100 ml में या 1 dl के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml जो आपके पास ब्लड है उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितनी अवेलेबल है, दैट इज 21.1 से लेकर 21 ml तक। पर क्या ये सच में इतनी पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है क्या वो टिश्यूज को अवेलेबल हो जाती है, वो टिश्यूज को अवेलेबल नहीं है। क्यों, देखिए मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया था, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमने यहां पर लिया है वो है 100 ml, तो ये हुआ होल ब्लड। तो होल ब्लड जो है वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो पूरी बॉडी में 100 ml के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ आपके पास ऑक्सीजन जो है वो मान लीजिए घुली हुई है, तो क्या ये टिश्यूज को टोटली रीच करती है, कभी नहीं। अब इसका जो परसेंटेज आपके पास टिश्यूज को रीच करता है वो सिर्फ कितना होता है, 25%। तो आपके पास ऑलवेज वैल्यू विल बी दैट इज 4-5 ml आपके पास ऑक्सीजन जो है वो किसको सप्लाई होगी एक्चुअली में, टिश्यूज को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखकर चलिएगा, बहुत सारे लोग इस चीज में मिस्टेक करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, फिर से सुनिए, 100 ml या 1 dl के अंदर 15 g हीमोग्लोबिन हमने एवरेजली मार्क कर लिया। 1 g हीमोग्लोबिन से 1.34 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वो टिश्यूज को सप्लाई होगी या नहीं होगी उसको देखिए। हमने ये कहा कि टोटल मिलाकर आपके पास जो 100 ml या 1 dl में आपके पास जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, 15 g। तो टोटल मिलाकर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो सकती है, वो तो आपके पास है 21.1 से लेकर 21 ml तक ही। लेकिन ये तो होल ब्लड की सप्लाई है, टिश्यूज को एक्चुअली कितनी सप्लाई जाएगी, सिर्फ 25%। अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन हो रहा है उसको ही देखें, इससे ऐसा समझ रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कोई स्टर्नस एक्टिविटी नहीं की है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की है, उस दौरान में जो नॉर्मली आपके पास ऑक्सीजन टिश्यूज तक रीच करेगी पर 100 ml में, वो 4-5 ml है, दैट इज 25% ऑफ द होल ब्लड के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है। अब यही चीज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी कोई जोरदार परफॉर्म कर रहा है, मान लो जिम में गया हुआ है, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस के दौरान में टिश्यूज की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर उस स्ट्रेस को झेलना है तो आपको एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी तो तभी मिलेगी ना जब टिश्यूज के अंदर आपके पास ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। इसका मतलब एक और हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जब आप बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो पर 100 ml में जो आपके पास ये ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो आपके पास में बेसिकली सर्कुलेट हो रही है, इसमें से जो टिश्यूज को आपके पास 25% की अवेलेबिलिटी कराई जा रही थी स्टर्नस एक्टिविटी के दौरान में, ये टिश्यूज को जो सप्लाई होगी वो नेचर बढ़ा देगी, और बढ़ाकर कितनी लेकर आएगी, दैट इज 75%। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट दैट इज 15 ml टू अ टिश्यू ड्यूरिंग दी स्टर्नस एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा जोरदार काम करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर फिर काम क्या होगा कि 100 ml में जो 21
21 ml की आपके पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसमें से 75% हिस्सा टिश्यूज को डिवोट कर दिया जाएगा ऑक्सीजन का, जबकि नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मली तो आपके पास कितना हुआ, दैट इज 25% ही। याद करके चलिएगा, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। और याद करके यहां पर एक चीज और चलनी है, देखिए जब भी हम स्टर्नस एक्टिविटी करते हैं इसका मतलब है क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो गई है इसीलिए हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा इनहेल करने पड़ेगी। अब ज्यादा तो आप इनहेल कर नहीं पाते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो दौड़ लगाते वक्त एक प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं। तो उस दौरान में होगा क्या, मान लीजिए ऑक्सीजन बेसिकली टिश्यूज के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाए तो क्या फर्दर ऑक्सीजन अभी अवेलेबल होगी, नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन आपकी मसल्स में आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी या टिश्यूज में देखने को मिलेगी। अब उससे क्या चीज हो रही है, जब यह सारा का सारा फंडामेंटल आपको नजर आएगा तो उसी समय एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तो एटीपी की प्रोडक्शन रिड्यूस कर जाएगी, और जैसे ही एटीपी की प्रोडक्शन आपके पास रिड्यूस हो जाएगी तो आपके पास उतनी एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी कि आप कोई स्टर्नस एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए, और आपको थकान होना शुरू हो जाती है। क्यों थकान हो रही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान में आपके जो पर्टिकुलर मसल्स होंगे या जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर आपके पास क्या चीज डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, दैट इज अ लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड आपके पास बेसिकली क्या चीज लेकर आता है, फटीगेबिलिटी। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके पास ऑक्सीजन का हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब वही चीज मान लेते हैं अगर आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरह से आपके पास ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के तीन माध्यम बताए गए, तीन मीडियम बताए गए। पहला, आपके पास बोला गया कि आपके पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर सकती है। तो आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है तो बनाती है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, वर्ड याद करके चलिएगा। अब दूसरा, आपके पास में यही पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो सकती है। अब प्लाज्मा में कितना डिसॉल्व है, ये सिर्फ 7%, जबकि कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मिलती है दैट इज 23%, और जो रिमेनिंग आपके पास अवेलेबल है वो है इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट आइंस, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज 70%। अब अगर आपको ध्यान हो तो मेरे कुछ पिछले लेक्चर्स अगर आप वापस से फॉलो करें जहां पर बेसिकली मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन कर दिखाया था, तो उसको मैं एक बार वापस से अगर आपको दिखाने की ट्राई करूं और उसको समझिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन करती है और कंबाइन करने पर आपके पास कार्बोनिक एसिड आपको बनाकर देती है, और ये कार्बोनिक एसिड आपके पास ब्रेक कर जाता है इंटू एच पॉजिटिव आइन एंड बाइकार्बोनेट आइन। अब सुनिए ये रिएक्शन कहां हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है आपके पास आरबीसी के इनसाइड में, कहां हो रही है आरबीसी, ये सारी रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी की सारी रिएक्शन आरबीसी के इनसाइड में हो रही है। अब आरबीसी के इनसाइड जब ये रिएक्शन होती है तो ये चीज याद रखने वाली है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिवर्सिबल दोनों जगह पर इस रिएक्शंस को करवाने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब एक वर्ड याद करिएगा, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक खासियत है, खासियत क्या है, दिस इज हैविंग अ फास्टेस्ट टर्नओवर नंबर। अब अगर इसको समझे कि टर्नओवर नंबर क्या हुआ, इसको ऐसे समझ लें ये फास्टेस्ट एंजाइम है वर्ल्ड का। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो सडनली क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, और इसी कार्बोनिक एसिड को सडनली कार्बोनिक एनहाइड्रेज वापस से ब्रेक कर देगा इनटू एच पॉजिटिव आइन एंड SCO3 नेगेटिव आइन। हुआ ना ये फास्टेस्ट एंजाइम, तो सडनली आपके पास क्वांटिटी ऑफ एच पॉजिटिव आइन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां पर देखिए आपके पास एक्चुअली में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एट लास्ट बच क्या गई है, बाइकार्बोनेट आइन की फॉर्म में। अब ये बाइकार्बोनेट आइन एक्चुअली में है कहां है, ये तो आरबीसी के इनसाइड है, तो आरबीसी के इनसाइड में जो पड़े हुए ये बाइकार्बोनेट आइन है, इनको तो बाहर आना पड़ेगा,
और बाहर जब ये आएगा ना आरबीसी के, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अंदर तो एच पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैंने आपको कहा था ये एच पॉजिटिव आयन आपके पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन करते हैं, और ये एच पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन यहां से क्या कर जाती है, छूट जाती है, और ये ऑक्सीजन भी कहां को जाने की ट्राई करती है, आपके पास टिश्यूज के इनसाइड में, जिसको मैंने हार्डन इफेक्ट के फॉर्म में बताया था। आप फिर से एक बार इस चीज को देख भी सकते हैं जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, लेकिन अभी हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो देखिए यहां बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अगर बाहर निकल गए तो आपके पास आ गए, मान लेते हैं ये प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर आ गए हैं। तो देखिए यहां इंबैलेंस क्या क्रिएट हुआ, इंबैलेंस ये क्रिएट हुआ कि अंदर आपके पास नेगेटिव आयन की क्वांटिटी क्या कर गई, डिक्रीज हो गई। अब इस नेगेटिव आयन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से नेचर ने यहां पर एंट्रेंस करवाई है, दैट इज अ क्लोराइड आयन की। किसके एंट्रेंस करवा रहे हैं, क्लोराइड आयन की। तो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन कहां पर गए, प्लाज्मा या ब्लड के अंदर, और उसके एक्सचेंज में आपके पास क्लोराइड आयन जो है वो एंट्री कर रहे हैं इनटू एन आरबीसी। अब देखिएगा इस फिनोमेना का एक नाम है, इस फिनोमेना को कहा जाता है दैट इज अ क्लोराइड शिफ्ट। वर्ड क्या यूज किया, क्लोराइड शिफ्ट, या दूसरा नाम है इसका हेमबर्गर फेनोमेना। हेमबर्गर फेनोमेना, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, इसीलिए इसका नाम हेमबर्गर फेनोमेना लिख दिया। और क्योंकि आपके पास बाइकार्बोनेट आयन को एक्सचेंज कर क्लोराइड अंदर एंटर कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्लोराइड शिफ्ट कह दिया। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए, जब मैंने ये कहा कि बाइकार्बोनेट आयन आपके पास बेसिकली प्लाज्मा के अंदर एंटर कर गए, तो क्या ये फ्री फॉर्म में रहेंगे, नहीं, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे। ये किसके साथ कंबाइन करेंगे, ये तो कंबाइन करेंगे सोडियम आयन के साथ, और जब ये कंबाइन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाकर देंगे जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करिएगा, कभी कभार आपने ये क्वेश्चन पूछा होगा कभी ना कभी किसी ना किसी टेस्ट में, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये बताइए कि ब्लड का बफरिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वहां पर एक आंसर मिलता है। आंसर क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी का बफरिंग सिस्टम बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि इस सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से ही जो ब्लड का पीएच है वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करती है, और वो 7.3 से लेकर 7.4 ही रहती है, चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए, क्योंकि आपके पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसी के अंदर जाएगा उतने ही बाइकार्बोनेट आयन आपके पास बनेंगे, और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आकर आपके पास सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएंगे जो आपके पास प्लाज्मा या ब्लड के अंदर पड़ा हुआ होगा, और वहां पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाकर दे देंगे, और आपके पास बेसिकली बफरिंग सिस्टम पूरी तरह से हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इस बफरिंग सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास एसिडिटी क्या कर जाएगी, ब्लड की इंक्रीज कर जाएगी, याद करके चलिएगा। और जब ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज करेगी तो प्रोटीन कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगी, और उसी वजह से आपके पास ब्लड जो है वो रुक रुक कर चलेगा। इसका मतलब टिश्यूज को उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कभी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी रिक्वायर्ड होती है, यह चीज पक्का से ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यह जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से याद करके चलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है 70% वो आपके पास बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, वो सिर्फ 23% आपके पास कंबाइन कर रही है, जबकि प्लाज्मा में 7% आपके पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए कुछ एक इंफॉर्मेशन यहां पर और है जिसको मैं आपको बताने की ट्राई करता हूं। देखिए आपने कहावत बहुत अच्छे से सुनी होगी, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। देखिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब क्या, मान लेते हैं आपने हथेली के ऊपर पानी ले लिया, ठीक है, अब पानी में बेसिकली आपके पास में ज्यादा चीज क्या घुली हो सकती है। देखिए वो चीज आपको यहां से पता लगी थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से, कैसे पता लगी, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में कितने प्रतिशत घुलती है, वो तो सिर्फ 3% घुली हुई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर कितनी घुली हुई होती है, वो तो 7% है। और आपको एक चीज एस्टोनिशिंग जो समझ आएगी वो ये है कि प्लाज्मा में जो आपके पास वाटर का कंटेंट होता है वो आपके पास 90% से लेकर 92% होता है। मैक्सिमम आपके पास प्लाज्मा में है ही क्या है, पानी, और पानी के साथ सबसे ज्यादा चीज क्या जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
इसीलिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पास ज्यादा होगी ना पानी के अंदर, तो अगर आप चुल्लू भर पानी भी ले लेंगे हाथ में, अगर इसको पर्टिकुलर जो बेसिकली ये जो डेप्थ है यहां पर अगर आप पानी रखेंगे और उसको बेसिकली नाक उसमें डुबो देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी के साथ जो आप एक्सहेल करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने की वजह से आपके पास में मौत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं कर पाएंगे। अब ऑक्सीजन नहीं इनहेल हुई तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाएगी। इसीलिए कहावत बनी, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये पक्का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 3% आपके पास प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है, और नेचर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा के अंदर 7% ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और उस प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी 90 से लेकर 92% है। इसीलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना बहुत ज्यादा आसान है। आई होप इस वाले टॉपिक को मैं पूरी तरह से समझा पाया हूंगा, और कोशिश करें जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी हैं उनको आप देखने की ट्राई करिए, ताकि आप सारी चीजों को इंटरलिंक कर सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आने वाले जो पर्टिकुलर मेरे वीडियोस हैं उनको फॉलो करने के लिए जो आपके पास ये बेल का बटन है इसको पक्का से प्रेस करिएगा, जो सब्सक्राइब के साथ आपको मिलता है। आज के लिए इतना ही, कल के जो नए टॉपिक्स होंगे उनके साथ मैं आपको कल फिर से मिलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।